बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन का जन्मदिन बीत चुका है। अभिषेक बच्चन अपनी फिल्मों से ज्यादा पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर चर्चा में हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान के प्यार के किस्से तो सभी ने सुने होंगे। आज भी अगर दोनों एक जगह कहीं देखे जाते हैं तो दोनों ही सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसे में अगर ऐश्वर्या के पति अभिषेक सलमान के बारे में कुछ बोले तो खबरें तो बनेंगी ही। साल 2017 के एक इवेंट के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐसा ही कुछ किया था। दरअसल स्टारडस्ट अवार्ड में अमिताभ को अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे थे, साथ ही साथ यहां सलमान भी मौजूद थे। यहां पर अभिषेक ने सलमान खान का जमकर मजाक उड़ा दिया, जिस पर ऐश्वर्या राय जोर से हंस पड़े। अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख शो को होस्ट कर रहे थे, तभी अभिषेक ने नोटबंदी को लेकर सलमान को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, सलमान लाइन में लगो बिना सीधे बैंक के अंदर चले जाते हो और कहते मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। हालांकि अभिषेक ने अपने पिता अमिताभ बच्चन के लिए भी कहा, वो होते तो कहते, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े हो जाते हैं। ये सारी बातें अभिषेक ने मजाक के तौर पर कही, जिस पर सभी हंस रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन इस दौरान ऐश्वर्या का रिएक्शन सभी देखना चाहते थे। सलमान का नाम लेते ही कैमरा सीधा ऐश्वर्या पर जाता है और वो हर बार हंसती नजर आए। बता दें कि नाम लिए बिना उनकी तारीफ उन्होंने की है। बता दें कि कई बार सलमान ने भी ऐश्वर्या का नाम लिए बिना उनकी तारीफ कर दी है। वहीं ऐश्वर्या ने भी सलमान को ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का समर्थन किया था। हालांकि ऐश्वर्या ने भी सलमान का नाम नहीं लिया था। वैसे आपको जानते हैं कैसा लगा इन दोनों का लवी डवी कनेक्शन, हमें कॉमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे।